टच कर
पुत्र है और इस बात का जी पॉइंट है, पॉइंट मिला है। चलिए अभी तक डिफेंस में काफी कुछ कमी दिख रहा है, भिलाई का डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत भिलाई की तरफ से। बाकी प्रयास अभी तक अच्छा रहा है, अभी भी कोई ज्यादा फासला नहीं है, पूरा समय है। अब इस बल बेटी के साथ गेम खेलती है दोनों टीम, यह देखना महत्वपूर्ण। खैर अपनी तरफ से लग रहा है कि सेफ जोन में खेलना पसंद कर रही है। रेंजर्स हैकर के हकदार सिर्फ दो खिलाड़ी, जर्सी नंबर 57 और जर्सी नंबर 01। आप देखते हैं अच्छे रेडर है दोनों रेडर, आप पॉइंट लेते हुए चलिए सुजीत भाव में आ चुके हैं। अंगों का फासला मात्र अच्छा, चलिए 10-4 से बढ़त बनाई हुई है। खैर अगर बेटी अच्छा किक लगाए थे, चलिए अच्छा मैच चल रहा है। फाइनल का मैच है, महा मुकाबला है, महा संग्राम है। चलिए 7 नंबर की जर्सी के प्लेयर फिर से रहे खैरागढ़ के मैदान पे, फिलहाल एक खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 देखते हैं क्या कर पाते हैं। 5 खिलाड़ी के मध्य खेल का प्रदर्शन कुछ करना होगा, पैंट लाना है फिलहाल को। बहुत ही पिछड़ी हुई टीम है, पिछड़ रही है टीम पकड़े गए। अगर कोई व्यक्ति इधर शराब पी के आए तो कृपया यहाँ से हटे और आपको हटना पड़ेगा क्योंकि लेडीज के आरक्षी है सीट। चलो हटो जाएंगे लेडीज के सामने जा। अरे भैया मान सम्मान की बात है, आप गांव व्यक्ति है ये बात। चलिए बेवाटर जर्सी नंबर 57 यहाँ पर भिलाई को, लेकिन बहुत ही जिस हिसाब से लगाकर खेल रही है यहाँ पर काबिल तारीफ। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था बाकी मैचों में शुरुआती चरणों में खैरागढ़ की टीम थोड़ा सा पिछड़ती नजर आती थी, लेकिन इस बार जस्ट विपरीत चढ़कर यहाँ पर खेल रहे हैं खैरागढ़ की टीम और उसका परिणाम 10-5 से आगे है अभी खैरागढ़ की टीम। चलिए राजेंद्र चले फिर से देख रहे हैं रेंजर्स जाकी रेडर से लीग ले रहा भावन भी है। चलिए लोकेश गए हैं 3 नंबर की जर्सी में, चलिए पाँव में लेके आइए, रिवाइवल जरूरी है। नीचे नीचे हो सकता है इस बार 56-58 के बाद भेजते हुए सॉरी 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी एक हाथ पकड़ोगी देखते हैं बढ़िया। यहाँ पर वो भी अच्छा पर देखने को मिलता हुआ है भिलाई की तरफ से। 57 नंबर जर्सी की टीम खिलाड़ी टच करने का प्रयास कर रहे थे, रनिंग टच करने का प्रयास, लेकिन और इस बार खिलाड़ी 4 खिलाड़ी के मध्य बहुत अच्छे होगा, पॉइंट लेने का पुश करना होगा, पॉइंट ले जाना होगा। 7-14 की बढ़त अभी भी, 14 पॉइंट और 7 पॉइंट की लीड है। प्रयास था इस बार लेकिन बिना पॉइंट के वापस। चलिए बिना के लिए टाइम आउट, चलिए वापसी करना चाहेंगे अभी। अब हमारे हैं नया रेडर खैरागढ़ की तरफ से 52 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपने अपनी टीम के लिए, जबकि अभी भी
बहुत मजबूत टीम कच का प्रयास था, लेकिन शायद हम यहाँ पर फंस जाते हुए। चलिए अब तीन नंबर दर्शी के खिलाफ बढ़िया रहे, जबकि कोर्ट पर सिर्फ चार खिलाड़ियों ने भर, देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना अंक बटोर पाते हैं। प्रयास करते हुए लगातार आ रही है, चलिए फिर से चले 57 नंबर जर्सी के खिलाफ। चलिए सुपर टेनर महाशय
चलिए लेकिन फिर से चाहे हर जीत करते हो या फिर 57 नंबर जैसी कुछ चलिए तो बेस चले आप ही चले अभी तक सुजीत तो नहीं चल पाए इस मैच में चलिए लोकेश चलिए तीन नंबर की चलिए तीन नंबर जैसी के खिलाड़ी वापसी पर आए थे उनसे उम्मीद उनके टीम को बहुत ही जबरदस्त एक सुपर रन भी हुआ था देखते हैं कितना पॉइंट अर्जित कर पाते हैं अभी बढ़िया यहाँ पर खेल देखने को मिला है अभी तक तीन नंबर जर्सी की खड़ी होती है सुपर टक्कर लगाइए राजन पर दांव लगाइए चलिए दांव लगाइए राजन के ऊपर दो पॉइंट लेना चलिए अच्छे रहना रही है अभी आल आउट बचाना होगा पहले तो आल आउट बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है चले फोकस भी अवेलेबल है अभी भी सुजीत का चलना बाकी है अगर सुजीत चले कितने दर्शकों से अनुरोध है मोहन लगे गए उसका ऑर्डर भी ले लो कई मत काम भैया
आयोजन खत्म होने पर है और आप किसी प्रकार के शोर शराबा नहीं करेंगे तो आप सबसे निवेदन है शांति बनाए रखिएगा। 28-18 का मुकाबला चमत्कार की आयोजन है जाए के लिए चलिए फिर
दोनों खिलाड़ियों ने फिर तीन पॉइंट लेते हैं, एक खिलाड़ी को पकड़ने के चक्कर में हमें पांच पॉइंट खो बैठे। अफसोस तो होगा और अफसोस उस चीज का क्या जो गुजर गया, तकदीर किस्मत की नकीर है जो तकदीर बताता है। और भगवान की लिख दिया है कि आज खबर खाना को जीतने वाली है। चलिए अभी से कुछ भी हो सकता है, आप भी पांच पॉइंट करने ले सकते हैं। अब क्या बोला भैया, इतना अच्छा मैच जुड़ा हुआ था, बोलने में अच्छा लग रहा था, बोलना अरे दर्शक के लिए काफी नाराज इस पर्व से सब पर्व बना था, सब मैच बना था। पांच पॉइंट एक साथ मिला के अंतिम एक खिलाड़ी के द्वारा कुछ बोलने के शब्द नहीं।